Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some basic properties of light and also the dual nature. So let's start the video. So light appears to have different sets of behavior under different circumstances. तो लाइट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर्स रखती है. जैसे कभी कभी लाइट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ डुअल नेचर, इट हैज़ बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. लाइट के पास दोनों नेचर होता है, वेव नेचर और उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर. तो हम कह सकते हैं कि लाइट अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग बिहेवियर को शो करती है. कभी वो वेव नेचर शो करती है, कभी वो पार्टिकल नेचर शो करती है. तो हम बताएंगे आगे कि किस एक्सपेरिमेंट में या कहाँ कहाँ ये वेव नेचर शो करती है और पार्टिकल नेचर कहाँ शो करती है. तो डिपेंडिंग ऑन द फिनोमेना और बिहेवियर, लाइट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव और एज अ पार्टिकल. सो फिनोमेना या बिहेवियर के हिसाब से, फिनोमेना या बिहेवियर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि लाइट किस तरीके से ट्रीट होगी एज अ वेव और ए पार्टिकल. So this showing the dual nature of light. So light has wave-like and particle-like nature. तो हम अगर सेम वाइट सोर्स ऑफ लाइट लें तो इसको अगर हम मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं इस तरीके से, तो हमें इंसिडेंट लाइट की तरह है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं किसी भी बल्क मटेरियल से, यानी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. तो ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं पार्टिकल बिहेवियर. तो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन मीन्स पार्टिकल बिहेवियर, यानी ये एच न्यू के फॉर्म में लाइट हो मेटल पे पड़ेगी और फिर उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा. तो पर फोटॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. उसी तरीके से अगर इसका हम वेव बिहेवियर देखना चाहें तो वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये एक स्पेक्ट्रम देता है PIBZYOR इस क्रम में. तो यहाँ पे वेव बिहेवियर शो हो रहा है और इधर पार्टिकल बिहेवियर शो हो रहा है. तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, उसके साथ साथ क्वांटम एक्सपेरिमेंट भी है जहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर शो होता है. उसी तरीके से वेव बिहेवियर अलग अलग हैं जो आगे हम बताएंगे. यहाँ सो वेव नेचर ऑफ वाइट लाइट. तो वेव नेचर ऑफ वाइट लाइट या सिंपली लाइट. सो लाइट बिहेव एज अ वेव, इट पासेस थ्रू एयर, वैक्यूम और अदर ट्रांसपेरेंट मीडिया इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट ऑक्यूलर टिश्यूज, या किसी टिश्यूज से भी अगर वो पास करते हैं तो वहाँ भी एज अ वेव बिहेवियर रखती है. तो कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जहाँ पे लाइट वेव प्रॉपर्टी को शो करती है, जैसे प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम. तो लाइट का जो संचरण है वैक्यूम के थ्रू, वहाँ भी वेव नेचर शो होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू वेव नेचर शो होता है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू भी वेव नेचर ऑफ लाइट शो होता है. फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस के थ्रू भी हम लाइट के वेव नेचर को दिखा सकते हैं, उसके साथ साथ डिफ्रैक्शन और उसके साथ साथ पोलराइजेशन. सो पोलराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, जिससे ये शो होता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी है. तो पोलराइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में. फिलहाल ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेव नेचर को शो करती हैं लाइट के. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो वेव बिहेवियर को शो करता है. तो इसमें हम देखते हैं कि एक सिंगल स्लिट से हम सन लाइट को अगर पास कराएं, यहाँ एक सिंगल स्लिट हो रहा है और ये सारी कोहेरेंट वेव फ्रंट है. एंड देन जब इसको हम डबल स्लिट से पास कराते हैं तो हमें कुछ फ्रिंजेस मिलती हैं, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज. तो ओवरऑल व्यू सिर्फ हम बता रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जहाँ बनते हैं वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनती हैं. तो कंस्ट्रक्टिव जहाँ होगा यानी संपोषी व्यतिकरण जहाँ होता है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म करती हैं, यानी वहाँ लाइट जाती है. अदर प्लेसेस पे जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है यानी विनाशी व्यतिकरण, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती, जिससे वहाँ पे डार्क होता है. यहाँ डार्क है, इधर डार्क, तो डार्क प्लेस होता है. ये एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने किया था 1800 में.
तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लाइट को वेव के बारे में जानते हैं. एंड देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि लाइट एक वेव है. तो यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं रेयर और जो नीचे का पोर्शन है ये डेंसर. डेंसर तो इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर इधर नॉर्मल की तरह बेंड, क्योंकि रेयर टू डेंसर जाने पे लाइट नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है. और ये यहाँ पे नॉर्मल जैसा, नॉर्मल जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर है. तो दो मीडियम का इंटरफेस, इधर रेयर और इधर डेंसर. तो लाइट कुछ एब्जॉर्ब होगी, वो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एब्जॉर्ब होकर रिफ्रैक्ट होगी और जो बाकी लाइट है वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है. उसी तरीके से यहाँ भी रिफ्लेक्शन लाइट हम देख सकते हैं, इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट. इसके बीच के एंगल को जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और यहाँ का जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को हिंदी में हम ध्रुवण कहते हैं या धूमिल जैसा वर्ड है एक तरह से. ध्रुवण होना, लाइट का ध्रुवित होना बोलते हैं ध्रुवण. तो पोलराइजेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव. पोलराइजेशन वेव की एक प्रॉपर्टी है दैट कैन ऑसिलेट इज मोर देन वन डायरेक्शन. जो ये शो करती है कि वेव ऑसिलेट्स करती है कई डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन से ज़्यादा डायरेक्शन में, मोर देन वन डायरेक्शन. सो पोलराइजेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच कैन ऑसिलेट इन मोर देन वन डायरेक्शन. तो पोलराइजेशन के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि लाइट एक ही डायरेक्शन में नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज लाइट एग्जिबिट पोलराइजेशन. तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एसोसिएट होती हैं और वो शो करता है पोलराइजेशन. तो बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. फिलहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पोलराइजेशन होता है लाइट का. तो ये जो बीच की डायरेक्शन है ये वाली, ये शो कर रहा है प्रोपागेशन ऑफ लाइट के डायरेक्शन को. और ये जो ब्लू वाला सेट दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है. तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं वर्टिकल डायरेक्शन में. और उसके साथ साथ एक और लाइन जो दिख रही है ये हॉरिजॉन्टल साइड से, ये वाली, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो जैसे आपका एप्लीकेशन में ले लें तो जो ग्लासेस आते हैं उनमें पोलराइजेशन किस तरह से शो होता है वो यहाँ देख सकते हैं. तो एक हम दिखा रहे हैं यहाँ कि लाइट वेव वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द हाईवे. अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो लाइट वेव प्रोपागेटिंग या वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द हाईवे. तो जो पैरेलल टू द हाईवे है उस लाइट को पोलराइजर के थ्रू, यानी जो ग्लास लगा है वो एज अ पोलराइजर काम कर रहा है. तो ये उस लाइट को रोक रहा है जो पैरेलल आ रही है हाईवे के, और जो परपेंडिकुलर लाइट है उसको ये पास कर रहा है. ये ब्लू वाली जो वेव्स दिख रही हैं, लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द हाईवे. जो परपेंडिकुलर टू द हाईवे है, मान लीजिए ये हाईवे है तो इसके जो पैरेलल में है उनको तो वो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन जो परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर में यानी ये ब्लू वाली लाइट, जो ब्लू वाली लाइट है ये वाली, इसको वो अलाउ कर रहा है. तो साफ देखा जा सकता है कि जो रेड वाली लाइट है, पैरेलल वाली जो लाइट है, इसको जो सन ग्लासेस हैं वो रिमूव कर दे रहा है और केवल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ही क्रॉस करता है. तो इस तरीके से लाइट का एक पोर्शन पोलराइज्ड हो जाता है और हमें पोलराइज लाइट मिलती है आगे.
तरीके से वो पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लास के अंदर, जिससे हमें देखने में आसानी होती है। तो सामने से आने वाली लाइट को हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं और हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जब हम हाईवे पे होते हैं। ये फिजिकल की चीज़ें हैं, कहीं भी ऑब्जॉर्व हो जाएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो कुछ ऐसे फिनोमिनाज जहाँ लाइट के पार्टिकल नेचर की हम स्टडी करते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कहाँ कहाँ लाइट किस तरह का बिहेवियर रखती है, बहुत डिटेल में ये नहीं है। सो लाइट एग्जिबिट सम करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटोन व्हेन इट एब्जॉर्ब और इट्स बीइंग जनरेटेड इन अ लाइट सोर्स। तो लाइट है पर पार्टिकल टाइप का एक करेक्टरिस्टिक्स रखती है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। लाइट है, एक फोटोन के रूप में चलती है और कुछ ऐसे फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक हमने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट एंड उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इन सभी फिनोमिना में लाइट के पार्टिकल नेचर शो होते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन को डिटेल में। फिलहाल यहाँ हमने एक बेसिक चीज़ सीखी है कि लाइट किस तरह से बिहेवियर रखती है, ड्यूअल नेचर। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट वॉज एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। सो एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया था, इसकी डिस्कवरी तो जे लेनार्ड ने किया था 1900 के आसपास, लेकिन आइंस्टीन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था 1905 में, और जिसके लिए ही उनको बाद में नोबेल पुरस्कार मिला 1905 में। नोबेल तो उन्हें काफ़ी लेट मिला, 1921 के आसपास। इट प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर कंसिडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो लाइट को पार्टिकल के रूप में कंसिडर करता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो फोटोइलेक्ट्रिक का इफेक्ट का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन में बाय एब्जॉर्बिंग एंड अपोजेस टू इमिट लाइट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। इसी फिनोमेना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, लाइट का इंसिडेंट होना और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच।